सीएचए धरने का 81वां दिन, जयपुर शहीद स्मारक। बारिश हो रही है पर सीएचए कोरोना योद्धा इस भारी बारिश में भी लगातार धरने पर डटे हुए हैं। कल रात पूरी बारिश हुई, कल पूरा दिन जोरदार बारिश हुई, आज भी रात से बारिश जारी है। चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लगातार राज्य सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ डटे रहेंगे और अपना हक लेकर ही वापस घर जाएंगे। अभी बरसात जारी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिल्ली गए हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। उनके खुद के राज्य में और खुद की राजधानी में लगातार 81 दिन से, पहले तो भयंकर गर्मी, प्रशासन का दबाव, गाली गलौज, उसके बाद भारी बारिश, पता नहीं क्या क्या सह रहे हैं। उनसे तो आज तक नहीं मिले। मैं रात एक मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कह रहे थे भी सीबीआई के ईडी के बड़े अधिकारी मिल नहीं रहे, हम तो जनता से मिलकर खुश होते हैं। मुख्यमंत्री जी, हम भी जनता हैं, 28,000 जनता है राजस्थान के, युवा जो भविष्य होते हैं, युवा वो 28,000 है, लगातार 81 दिन से बैठे हैं और आपने एक बार भी मुलाकात के लिए समय नहीं दिया। हमने सभी मंत्रियों से मिलकर निवेदन किया भी हमें मुख्यमंत्री से मिला दो, पर आप समय नहीं दे रहे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है आपकी करनी और कतनी में बहुत अंतर है। ये देखो, युवा तो युवा, ये छोटे छोटे बच्चे भी, ये दिव्यजा 4 साल की और लगातार बारिश, भयंकर गर्मी लगातार यहाँ डटी हुई है। गलौसकार आपको सीएचए नहीं दिख रहे तो ये छोटे छोटे बच्चों को तो देख लो। जिंदाबाद। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई जब मुख्यमंत्री का इंटरव्यू सुना और उन्होंने कहा भी मेरे से ईडी के और सीबीआई के उच्च अधिकारियों ने मिलने से इनकार किया है और मैं तो जनता से मिलकर खुश होता हूँ। अरे जनता ही है हम, 28,000 जनता है, आपके सभी मंत्रियों से निवेदन कर लिया, आपके राज्य की जनता है, आपकी राजधानी में 81 दिन से बैठे हैं और आपने मिलने का समय नहीं दिया अभी तक। इसलिए आपकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आप आज दिल्ली में धरना देने गए हो, पहले जो युवा आपकी राजधानी में बैठे हैं उनकी समस्या का तो हल कर दो। एक बात हो, अब आप नहीं सुन रहे और आगामी कुछ महीनों बाद आपको जरूरत पड़ेगी जब जनता की, तो गांवों में हम घुसने नहीं देंगे। चाहे कोई भी विधायक मंत्री हो जो आज हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, तो आगामी कुछ महीनों बाद जब उनको हमारी जरूरत होगी तब उनसे पूछा जाएगा और गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा। लगातार दूसरे दिन जोरदार बारिश है, टेंट उखड़ गया और सभी सीएचए जोरदार बारिश में भी डटे हुए हैं। ये जो युवा बैठे हैं सैकड़ों की संख्या में हैं, कुछ उधर कॉम्प्लेक्स के नीचे बैठे हैं, कईयों ने रात को बारिश के कारण नीचे चले गए हैं, कईयों ने बेचारों ने कमरे भी लिए हैं किसी तरह, एक समय का खाना खा रहे हैं जी। अभी पूरा दिन जोरदार बारिश होगी, कुछ नहीं खाने को मिलेगा और रात को एक समय का खाना खाएंगे।
शर्म आनी चाहिए गहलोत आपको।